Hi everyone. First of all, thank you for giving me a chance to come on the podium. It's my pleasure and privilege. I am Lavisha. I am studying at the Sainik Academy. I am talking about IPS officer. My IPS officer बनना चाहती हूँ. नमस्कार. मैं लविशा सोनी. आज आप सभी के सामने IPS officer के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. जीवन में हर किसी का एक सपना जरूर होता है. जीवन में हर किसी का सपना जरूर होता है. हर कोई कुछ न कुछ बनना चाहता है. उसी तरह मेरा भी एक सपना है, मैं IPS ऑफिसर बनूं. यह सपना मेरा इसलिए है क्योंकि जब मैं IPS ऑफिसर को अपने चारों तरफ न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि के माध्यम से देखती हूं, तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है. उनको मिल रहे सम्मान, उनके किए गए कार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैं यह सब अपने देश के लिए करना चाहती हूँ. ऐसा करना मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगेगा. यह सपना एक मात्र मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार वालों का भी है. मेरे पूरे परिवार वाले मुझे काफ़ी कुछ प्रोत्साहन करते हैं IPS ऑफिसर के बारे में. मेरे चाचू भी मुझे IPS ऑफिसर के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं, जिससे मेरा IPS ऑफिसर बनने का सपना और भी मजबूत हो जाता है. मुझे सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन करनी होगी. उसके बाद मुझे UPSC का एग्ज़ाम अप्लाई करना होगा. हर वर्ष में एक साल में एक बार UPSC का एग्ज़ाम होता है. UPSC में तीन एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलियम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू. प्रीलियम में दो एग्ज़ाम होते हैं, GS और CSAT. GS और CSAT दोनों में 200 मार्क्स के पेपर होते हैं. उसके बाद अगर आप प्रीलियम का एग्ज़ाम भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है अगर आपका, तो आप मेन एग्ज़ाम में हो जाते हो. मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं. अगर आप मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर देते हो तो आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो. इंटरव्यू में 45 मिनट का हमेशा इंटरव्यू होता है. उसके बाद उस इंटरव्यू में बहुत मुश्किल सवाल और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसे करके एक IPS ऑफिसर का चयन होता है. आने वाले समय में मैं भी एक IPS ऑफिसर बनके दिखाऊंगी और अपने देश की रक्षा करूंगी. जय हिंद.